हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है लिहासा की ओर। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे लेखक हैं यानी कि राहुल जी हैं, वो अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, अपनी पहली तिब्बत यात्रा के बारे में बता रहे हैं। ये यात्रा उन्होंने 1929 से 1930 में कंप्लीट करी थी, यानी कि 1929 से 1930 में उन्होंने ये यात्रा कंप्लीट करी थी। इस यात्रा में वो नेपाल के रास्ते गए थे। इस समय जिस समय वो ये यात्रा कर रहे थे, इस समय तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को करने के लिए भिकमंगो यानी कि भिखारियों की वेशभूषा में अपना मतलब पूरा गेटअप लिया था और फिर ये यात्रा उन्होंने कंप्लीट करी थी। लेखक ने ये यात्रा बहुत वर्ष पहले करी थी जब फरी कुलुडुपोड़ का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और जिन भारतीयों को तिब्बत घूमने की मतलब चाहत होती थी वो भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छुपते छुपाते तिब्बत पहुँचते थे। इस रास्ते पर सभी लोगों के साथ साथ ये भी देखने को मिलता था कि सेना भी है, मतलब सेना भी अपने आने जाने का काम इसी रास्ते से करती थी, तो ये रास्ता एक तरीके से मुख्य रास्ता बन चुका था। तिब्बत के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पर जाति पाति छूत अछूत इन सारी चीज़ों का कुछ लेना देना ही नहीं है, औरतें भी यहाँ पर पर्दा नहीं डालती। अब जो हमारे लेखक थे उन्होंने कैसी वेशभूषा धारण करी हुई थी, उन्होंने चोरों की वेशभूषा धारण करी हुई थी, तो चोरों की वेशभूषा धारण करने के कारण से उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि लोगों को ये डर लगता था कहीं ये चोर है, ये अगर घर में आ गया तो चोरी ना कर ले। अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन के वहाँ पर जाते हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह वहाँ पर जाते हो, तो आपको घर में ईजिली एंटर करने दिया जाता है और वहाँ पर जाकर आप अपनी चाय पत्ती दे सकते हो, तो उसके बदले लोग आपको फ्री में चाय भी बनाकर दे देते हैं, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। परित्यक्त चीन के किले से होकर जब वो एक व्यक्ति को राहदारी देकर थुंडलू के आखिरी गांव में पहुँच गए तो वहाँ उन्हें मिला अपना एक फ्रेंड। अब भाई राहदारी क्या होती है, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, तो उन्होंने टैक्स पे किया होगा। उसके बाद वो कहाँ पर पहुँचे, थुंडलू नाम की जगह पर पहुँचे, यहाँ पर उन्हें अपना एक फ्रेंड मिला सुमति। सुमति जो था वो एक मंगोल भिक्षु था। अब राहुल जी की उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इस वजह से जब वो वहाँ पर पहुँचे तो भिखारी होने के कारण पर भी, भिखारी जैसी उनकी वेशभूषा थी, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी जगह मिल गई थोड़ा रहने के लिए, क्योंकि उनकी दोस्ती किससे थी, मंगोल भिक्षु सुमति से। 5 साल बाद जब वो लोग इसी रास्ते पर घूमने के लिए आए थे और वो लौट रहे थे, तब उन्हें कोई रहने के लिए ज़्यादा अच्छी जगह नहीं मिली थी, पर ठीक ठाक जगह मिल गई थी क्योंकि उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, एक नॉर्मल इंसान की वेशभूषा में वो आए थे। अगले दिन सुमित जी को एक विकट डांडा थोंडलू पार करना था, मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट सी जगह थी, वहाँ पर उन्हें जाना था और उस रास्ते को पार करना था। डांडे जो हैं वो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोरी भी होती है, यहाँ पर काफ़ी खतरनाक डाकू लोग भी रहते हैं। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे होने के कारण से अगर आप इन डांडों के दोनों तरफ देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, तो कहीं पर भी आपको गांव दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। डाकुओं के छिपने की ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि सरकार यहां पर ज़्यादा नरमी रखती है, मतलब कि यहां पर सरकार ज़्यादा देख रेख नहीं करती, सरकार को लगता है इतनी ऊँचाई पर तो कौन ही जाएगा, कौन ही क्या करेगा। अब यहाँ पर अक्सर जो भी यात्री हैं उनके साथ चोरी होती रहती है, उनके ऊपर हमला होता रहता है, लेकिन इस बार ये लोग भिखारी के भेष में थे, तो चोरी होने का या हत्या होने का कोई भी डर नहीं था, कोई इन्हें जान तो इनकी लेने नहीं वाला था, भिखारी को कौन लूटेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक चीज़ का इन्हें डर था कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर थे, 16-17 हज़ार फीट की ऊँचाई पर थे, तो इन्हें थोड़ा ऊँचाई का डर था। दूसरे दिन राहुल जी ने डिसाइड करा कि मैं डांडे की चढ़ाई घोड़े से करने वाला हूँ। जब वो दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और बिना हरियाली के नंगे पहाड़ों को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये पहाड़ कैसे अजीब से हैं, इन पे तो कोई पेड़ ही नहीं उग रखा, इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से कोई वहाँ पेड़ ही नहीं उगता था उन पहाड़ों पे। उतरते समय लेखक का जो घोड़ा था वो थोड़ा सा पीछे चलने लगा,
पीछे चलने की वजह से वो रास्ता भटक गए थे। ठीक है, अब उन्हें कहाँ पर जाना था? उन्हें एक जगह पे जाना था जिसका नाम था लड़कोर। लेकिन जो उनका घोड़ा था वो वहाँ ना जाकर कुछ आगे चले गया था 1.5 मील के करीब, जिसकी वजह से जब वो वापस लौटे और जब वो वापस लड़कोर वाली जगह पर पहुँचे तो उन्हें सुमति जी मिले और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे। वो लेखक को बोलते हैं, अरे भाई तुमने तो बहुत देर कर दी यार, इतना देर इंतजार कराया, इतना कोई इंतजार कराता है क्या? तो लेखक बोलते हैं, अरे सुमति जी कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम रास्ता भटक गए थे। तो गुस्सा ठंडा होने पर वो लोग वहाँ एक अच्छी जगह पर ठहरते हैं और अपना समय बिताते हैं अच्छी जगह ठहर कर। राहुल जी और सुमति जी अब टिडिडी नाम की जगह पर थे। अब ये जो टिडिडी नाम की जगह थी ये बिल्कुल एक टापू की तरह थी। अब टापू आपने देखा होगा एक समुद्र में होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। ये टिडिडी नाम की जगह चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी, थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर लोग ठहर सकते थे। यहीं पर क्या देखने को मिलती है ना, टिडिडी समाधि गिरी भी देखने को मिलती है यहाँ पर जो जगह है इसके पास में। आसपास के गांव में सुमति जी को सब लोग जानते थे। तो सुमति जी राहुल को बोलते हैं, अरे भाई मैं जरा आसपास के गांव में अपने यार दोस्तों से मिलना चाहता हूँ तो मैं चले जाऊँ। तो राहुल जी उनको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं सुमति जी आप कहीं मत जाना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है लहासा पे पहुंचते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप प्लीज़ आसपास कहीं पे भी मत जाना। तो सुमति जी मान गए कि ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इन लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था इसीलिए अब वो थोड़ा दोपहर के समय चल रहे थे, अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट कर रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे दोपहर के समय। दोपहर के समय बहुत ज़ोर की धूप लग रही थी। इन लोगों ने अपनी पीठ पर सारा सामान लादा हुआ था और बहुत तेज़ धूप लग रही थी जब ये पहाड़ को चढ़ रहे थे, तो इनकी बहुत बुरी हालत हो रही थी पहाड़ को चढ़ते समय। जो सुमति जी थे उनका बड़ा मन था कि मैं एक और यजमान से मिलूं। तो उन्होंने बहाना बनाया कि भाई ऐसा करते हैं शेखर विहार नाम की जगह से होकर चलते हैं। तभी इन लोगों में डिस्कशन होता है ज़मीन को लेकर। तो जो तिब्बत के अंदर ज़मीन है ये बहुत सारे जागीरदारों में बटी हुई है, मतलब अलग अलग ओनर्स हैं हर एक ज़मीन के, ठीक है। और इस सारी ज़मीन में से बहुत ज़्यादा ज़मीन को पता है कौन ओन करता है? यहाँ के जो मठ हैं। अब मठ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए जो बहुत धर्म को फॉलो करते हैं लोग, उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनकी ज़मीन है उसमें से कुछ हिस्सा मठ को देना पड़ेगा, यानी कि बहुत धर्म वाले लोगों को देना पड़ेगा। इस ज़मीन पर वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना कुछ भी उन्हें काम करना हो। अपनी अपनी जागीर में जो जागीरदार है, मतलब अपनी अपनी जो उनकी ज़मीन है उसमें वो कुछ खेती खुद भी करते हैं जिससे कि उन्हें मजदूरी ना देनी पड़े, मजदूर को पैसे वगैरह ना देने पड़े, इसलिए खुद भी खेती कर लेते हैं वो लोग। अब लेखक शेखर नाम की जगह पर पहुंचते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यहाँ के जागीरदार हैं, जो भी उनकी ज़मीन होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो किसको दे देते हैं? मठों को दे देते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म वाले लोगों को दे देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हिस्सा उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों को दिया हुआ था। यहाँ पर जो भिक्षु थे नेम से, मुख्य भिक्षु, उनसे जाकर लेखक मिलते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर जो शेखर नाम की जगह है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हैं, मतलब 103 ऐसे पेपर्स रखे हैं जहाँ पर हाथ से लिखे हुए बौद्ध धर्म के वचन हैं। मतलब जैसे अपनी गीता रामायण होती है ना, हाथ से लिखे हुए मान लो 103 पेजेस इस तरीके से लिखे हुए थे, ठीक है, जिसे लेखक पढ़ने लगे। उस दौरान जो सुमति थे वो आसपास के जो यजमान थे, यानी कि जो भी लोगों से उन्हें मिलने के लिए जाना था, उनसे मिलकर आ जाते हैं। दोपहर तक सुमति जी वापस आ जाते हैं क्योंकि जो तिडरू था वो पास में ही था, इसीलिए इन लोगों ने तुरंत अपना सामान उठाया और नेमसे से विदा लेकर चल दिए। अब यहीं पर जो यात्रा है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। लेकिन इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कैसे पता चलेंगे? तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करना है और मेंबरशिप परचेज करनी है। अभी मेंबरशिप पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको सिर्फ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही नहीं, आपको साइंस के सैंपल पेपर नोट्स, इंग्लिश के सैंपल पेपर नोट्स, साथ ही में एसएसटी के सैंपल पेपर और नोट्स, मतलब तीन चीज़ें
तीन चीजों के साथ एक हिंदी के भी, मतलब चार चीजें मिलने वाली हैं एक मेंबरशिप प्राइस में। तो फटाफट मेंबर बने और एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।